हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आपके पिक्सल लैब पर फॉन्ट कैसे ऐड कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे फॉन्ट ऐड हैं पिक्सल लैब में, पहले से इनबिल्ड है। आप अपने यूट्यूब वीडियो का थंबनेल बनाते हो, या आप अपने लोगो बनाते हो, या आप चैनल ऐड बनाते हो, तो उसमें आप देखते हो कि पहले से फॉन्ट जो है रहते हैं इनबिल्ड रहते हैं, ठीक है। अब आप सोचते हो कि यार मैं अपना अलग फॉन्ट कैसे ऐड करूँ पिक्सल लैब में, जहाँ माई फॉन्ट लिखा रहता है उसमें आप जब जाते हैं तो वहाँ पर फॉन्ट नहीं रहते हैं, ठीक है। आप सोचते हो वहाँ मैं कैसे फॉन्ट ऐड करूँ, आज की इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करके आपको बता देते हैं। आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिए, एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, आपको साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना पिक्सल लैब ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने देखिए, यहाँ पर पिक्सल लैब ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं फॉन्ट पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉन्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने अपने फॉन्ट पे क्लिक किया है, अब यहाँ पर देखिए जो फॉन्ट है जो पहले से इनबिल्ड है यहाँ पर तो आ गया है। अब यहाँ पर जब मैं माई फॉन्ट में जाऊँगा तो यहाँ पर ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ पर मुझे फॉन्ट ऐड करना पड़ेगा। अब आपसे तो मैं कैसे ऐड करूँ और कहाँ से डाउनलोड करूँ, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, माई फॉन्ट यहाँ पर यहाँ पर ब्लैंक है, अब आपको कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैंसिल करता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, कोई भी फॉन्ट ऐड करना है जो सभी आपको अच्छा लगता हो, या कोई भी आप देखना चाहते हो कि फॉन्ट कौन सा मैं ऐड करूँ और कौन सा डाउनलोड करूँ। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्रोम पर चले जाना है, ठीक है। जैसे मैंने अपने क्रोम पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर मैं क्रोम पर चले जाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर देखिए आपको सर्च करना है फॉन्ट स्टाइल डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पर आपको फॉन्ट स्टाइल डाउनलोड पर टिक कर देना है, सॉरी सर्च कर लेना है, ठीक है। जिसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, यहाँ पर सब में आपको फॉन्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप कोई सा भी फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो। यहाँ पर मैं सबसे पहली वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं यहीं से फॉन्ट डाउनलोड करता हूँ और फिर उसमें ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपके सामने फॉन्ट आ जाएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर फॉन्ट आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 1, 2, 3 आप जितना भी चाहते हैं यहाँ पर फॉन्ट यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी फॉर एग्जांपल कोई सा भी डाउनलोड कर लेता हूँ, या मैं पहले से बहुत सा डाउनलोड करके रखा हूँ वही मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं एक दो टॉप फिर से डाउनलोड करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे डाउनलोड होता है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले वाला फॉन्ट है, इस यहाँ पर देखिए दिख रहा है आपको पहला फॉन्ट, उसके सामने देखिए प्लस का आइकन दिख रहा है, उसके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है। उसे आपको क्लिक करना है, इसे आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे, यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही आपको बताया था, बहुत सा ऐसा मेरा फॉन्ट है वहाँ पहले से डाउनलोड है, क्योंकि अभी यहाँ पर नेट स्लो चल रहा है इसलिए मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको डाउनलोड करना बता दिया, अब यहाँ पर मैं ऐड करना बताऊँगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बैक आ जाना है, ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो डाउनलोड हो गया है फॉन्ट वो कहाँ दिखेगा, आपके माई फाइल्स में। यहाँ पर मैं अपने माई फाइल्स में चला जाता हूँ। माई फाइल्स में जाने के बाद देखिए आपको क्या करना है, आपको अपने डाउनलोड वाले फोल्डर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर डाउनलोड जो फोल्डर है इससे आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका जितना फॉन्ट है सब डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है और बहुत सारी आपको जिप फाइल देखने को मिल रही होगी। अब आप सोचते हैं ये जिप फाइल क्या है, अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तभी आपका जो फॉन्ट है वो बन जाएगा। जो फोल्डर ऊपर आपको दिख रहा है ब्लैंक है अभी फोल्डर, ये आपका फोल्डर बन जाएगा, ये आपका फॉन्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। आपको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे देखिए एक्सट्रैक्ट हेयर आ रहा है, अगर आपके मोबाइल में एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। फॉन्ट को कैसे लाना है, जिप फाइल से इसको कन्वर्ट करना है अपने फाइल में, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अगर आपके मोबाइल में नहीं आ रहे तो। यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट कर दूँगा तो मेरा तो हो जाएगा। अब बहुत से बंदों का मतलब भाई लोग का मतलब नहीं आता है, ठीक है, तो कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको चले आना है बैक, चले आना है बैक। जाने के बाद अगर आपका एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको चले आना है प्ले स्टोर पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर मैं प्ले स्टोर पर चला गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक छोटी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है जेड अचीवर। तो यहाँ पर मैं जेड अचीवर आपको भी इंटरफेस दिखा देता हूँ कैसा होता है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ऐसा होता है इंटरफेस जेड अचीवर का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल फ़ोन में, मैं पहले से इंस्टॉल रखा हूँ तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको वो फोल्डर पे चले जाना है जो इसमें आपका फॉन्ट डाउनलोड है। यहाँ पर मैं डाउनलोड वाले फोल्डर पे चले जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए जिप फाइल आ जाएगी सारी, ठीक है, आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद देखिए आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे देखिए एक्सट्रैक्ट शेयर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मैं सही से बता सकता हूँ, पूरा मैं आपको माई फाइल से अपने बताऊँगा, ठीक है। तो मैं इतना बता दिया हूँ आपको। उसके बाद मैं चले जाता हूँ अपने माई फाइल्स में। आप इस तरीके से अगर आपका एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा तो जेड आई से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। पहला एक्सट्रैक्ट कर लिया और जो पहली जिप फाइल है, जो पहला एक्सट्रैक्ट हो गया, देखिए दोनों सेम लग रहा है, एक जिप फाइल है एक जो मेरा फाइल बन चुका है।
तो इसको मैं डिलीट करता हूँ जिप फाइल वाले को, ठीक है, सेकंड वाला। अब दूसरा वाला मैं कर लेता हूँ, या बस मैंने दूसरा वाला भी कर लिया एक्सट्रैक्ट, तो इसको भी मैं इसकी जिप फाइल को डिलीट करता हूँ। जो अभी आप अपना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फाइल को, जिप फाइल को, उसका जिप फाइल जो आप डाउनलोड मतलब एक्सट्रैक्ट करके फिर डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप डिलीट भी नहीं कर सकते हैं यार, डिलीट कर दिया आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैंने तो डिलीट कर दिया है, तो यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, इसके भी जिप फाइल को डिलीट करता हूँ मैं सबको एक्सट्रैक्ट करने के बाद। इसको कर चुका हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, आपको सामने देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पास देखिए मैं सबको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और सबकी जिप फाइल को डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब हो चुका है, और यहाँ पर जो जिप फाइल इसको मैं डिलीट करूँगा, तो सारे की जिप फाइल जो थी एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर पूरी फाइल बन चुकी है। अब देखिए आपको कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पास मेरी जो TSF जिप फाइल जिप फाइल से फाइल बन चुकी है। अब आपको बैक चले जाना है, अब आपको चले जाना है अपने पिक्सल लैब पर, ठीक है। तो यहाँ पास मैं अपना पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। वैसे अब यहाँ पास आप ध्यान से देखिए कैसे आपको ऐड करना है। तो यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, चले जाता हूँ अपने फॉन्ट पर, ठीक है, फॉन्ट पर चले जाता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो फॉन्ट जो पहले से इनबिल्ट है, अब आपको माई फॉन्ट पे जाना है। अब यहाँ पास आपको कैसे ऐड करना है, यहाँ पर देखिए आपको फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, छोटा सा प्लस आइकन दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आप जहाँ आप अपना एक्सट्रैक्ट करें हैं अपनी फाइल को, जिस फाइल को जहाँ एक्सट्रैक्ट करें फाइल बनाए हैं वहाँ चले जाए, जैसे मैंने डाउनलोड पे देखा है, ठीक है। तो डाउनलोड पे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर देखिए आ रहा है मोशन, जो पहला फॉन्ट है मोशन फॉन्ट, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आ रहा है ऐड डिक्शनरी, ठीक है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए जो पहला फॉन्ट है मेरा आ जाएगा, यहाँ पास पिक्सल लैब में ऐड हो जाएगा। अब ऐसे आपको दूसरा फॉन्ट ऐड करना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, दूसरा फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पास ऐड डिक्शनरी आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ, दूसरा फॉन्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वैसे ही कर देता हूँ, ठीक है, सारा करके मैं ऐसे ही सब ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए तीसरा आ जाएगा, और यहाँ पर मैं चौथा कर देता हूँ, जितना उसमें फॉन्ट के अंदर फॉन्ट रहेगा। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारा फॉन्ट देखने को मिल जाएगा, फॉन्ट के अंदर बहुत सा डार्क रहेगा, बहुत सा लाइट फॉन्ट रहेगा, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पास मैं और कर देता हूँ इसे, यहाँ पास आपको ऐसे करना है, उसके बाद ऐड डिक्शनरी करना है, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको किया ऐड डिक्शनरी किया, यहाँ पर फॉन्ट ऐड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैं लास्ट वाला सबसे कर देता हूँ, ये देखिए सबसे लास्ट वाला करूँगा, उसके बाद यहाँ पास देखिए ये फॉन्ट मैंने दिखाया था आपको डाउनलोड करते हुए, यहाँ पर वो फॉन्ट आ चुका है, अब आप देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरीके से आप अपना फॉन्ट ऐड कर सकते हैं अपने पिक्सल लैब में, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए, तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो एक लाइक दे दीजिएगा, और ज़्यादा सोची मत मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लिए, उससे होगा क्या मेरे आने वाले लेटेस्ट और यूट्यूब से रिलेटेड और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।